हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट हियर एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन इज 2y³ + y² - 2y - 1। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है, तो इसके फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो +1 हो सकता है इसका फैक्टर और -1 भी हो सकता है इसका फैक्टर। इसमें मैंने प्लस को पहले लिख दिया है, माइनस को बाद में लिखा है, तो आपको इतना ज़्यादा ये नहीं लेना है, आपकी मर्जी। आप लिख सकते हैं -1 को भी पहले और +1 को बाद में, आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं। वैल्यूज़ को पुट कर करके हमें यहाँ पर देखनी है कि किसको पुट करने से वैल्यू 0 आ जाती है। अगर 0 नहीं आएगी तो फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाले को लेंगे। तो मैं चलिए यहाँ पर पहले +1 वैल्यू को पुट करके देख रही हूँ। 2 1 का क्यूब प्लस 1² माइनस 2 × 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 माइनस 2 - 1। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, दैट इक्वल टू 0। मीन टू से कि +1 की वैल्यू रखने से जब इसकी वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स कि x = 1 जो है, इसको इस तरह से लिख देंगे हम 0। ये एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, इज अ फैक्टर। अब इस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल में डिवीजन करेंगे, लिखेंगे x - 1 और इससे इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो हमें इसके बाकी भी फैक्टर्स मिलने लगेंगे। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2y³ आ जाए। गाइस, यहाँ पर x की जगह पे आप y लिखेंगे क्योंकि इसमें y दिया हुआ है ना, तो ये y कर देंगे और ये जो है यहाँ पर भी आपकी y हो जाएगी। अब देखिए y में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 2y³ हो जाए, तो यहाँ पर 2y² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं y में, तो 2y³ आ जाएगी। लिख देंगे 2y³ और -1 है, इसे मल्टीप्लाई होगा तो -2y² साइन चेंज हो जाएगी और ये कट जाएगा, ये कितना बचा, 3y² हो गया, -2y - 1। अब इसमें 3y² लानी है, तो 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3y² हो गया माइनस ये 3y हो गई। ये देखिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह से ये कट जाएगा और ये y हो गया, -1 हो गया। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से करेंगे, 1 से y - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y - 1 आ जाएगी, साइन चेंज कर देंगे और ये इस तरह से रिमाइंडर 0 आ गया। के बाद वाले पार्ट को मैं लाइन खींच देती हूँ, इधर दिखाती हूँ करके आपको। फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर डिविडेंड जो है देख रहे हैं, यहाँ पे 2y³ + y² - 2y - y, और डिविजर जो है वो y - 1 है। कोसेंट कितना आया, तो ये 2y² + 3y + 1 आया है और रिमाइंडर 0 है, और ये जो है इक्वल टू हो जाएगा y - 1। बड़े ब्रैकेट में इसको दिखाएंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब क्वाड्रेटिक में आ चुका है ये, तो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग को फॉलो करेंगे। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये जो मिडिल वाला टर्म है कुछ इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि इनके इक्वल आ जाए प्रोडक्ट के, और मल्टीप्लाई करें तो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3y आ जाए, है ना। तो ये 2y² + 3y को लिख देंगे 2y + y + 1। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं 2 है, तो 2 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिडिल टर्म 3y भी आ जाएगी। ये देखते हैं y - 1, इसको यहाँ पर 2y कॉमन है, तो हम इस तरह से 2y कॉमन ले लेंगे, अंदर में y बच जाएगा प्लस ये 1 बच जाएगी, +1 और यहाँ पर ये y प्लस
वन रह जाएगा। उसके बाद ये जो है वाई माइनस वन, और यहाँ पर कॉमन जो है वाई प्लस वन है, उसके बाद टू वाई प्लस वन बच गया। तो इस तरह से ये तीन फैक्टर हमें मिल गए, ये आंसर हो गया। तो गाइज इस तरह से यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के हर एक पार्ट को कवर कर लिया, जो 4 पार्ट्स यहाँ पे थे। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो ही मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऑल्सो डू सपोर्ट इन वुमन एम्पावरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।